ओम नमः शिवाय। हर महादेव फाइनली आज लिस्ट आ गई है बीच जो यूसी फोर्थ राउंड। तो अब हम लोग नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं बीएचयू यूजी 2024 का। यहाँ पे फोर्थ राउंड कटऑफ जो है वो आ चुका है, ठीक है। आज है 31 तारीख, 8वां महीना 2024, और ये 31 पेजेस का पूरा एक एक्सेल सीट, पीडीएफ सीट आपके पास अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज की जो सीटें हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं और उसके कट ऑफ दिख रहे हैं। तो आप लोग अपना पोर्टल चेक करो, वहां पे आगे जो प्रोसीजर्स को फॉलो करो। और ये मैं हट जाता हूँ और आप लोग को जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट देख लो। अभी भी देखो कट ऑफ आर महिला पीसी कॉलेज में ए आई एस सी का जो है वो 212 जा रहा है, 209, 244, 242। ध्यान देना कि ए आई एस सी का अलग अलग कॉलेजेस में, ठीक है, जनरल का ये है, फिर उसके बाद ओबीसी का है, ठीक है, ये ओबीसी का है यहाँ से, ठीक है, उसके बाद फिर एस सी का है, फिर यहाँ पे आप देखो एस टी का है, ठीक है, ये पूरा ए आई एस सी का ही है, ध्यान देना ये पूरा ए आई एस सी का है, एस टी ई डब्ल्यू एस का पूरा है, फिर पी एच का है, फिर जनरल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे किसका, अरेबिक का, ध्यान देना ये अरेबिक का कट ऑफ जा रहा है। देखो यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज है बेसिकली ये, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बंगाली, चाइनीज, कथक, ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आराम से अपना बैठ के चेक करते रहना, ठीक है। ये देखो इकोनॉमिक्स है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो ये इकोनॉमिक्स है पूरा, ये पूरा इकोनॉमिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन और इंग्लिश, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है। आर महिला पीजी कॉलेज डीएवी फैकल्टी ऑफ आर्ट का पेड जनरल करके ये पूरा मार्क्स है, ये पूरा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा इंग्लिश का ही है, ये पूरा इंग्लिश का है, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से अपने मार्क्स अकॉर्डिंग चेक करते रहो, ठीक है, ओके। इसके बाद भी अभी पूरा ये इंग्लिश का ही है, देखो ये पूरा इंग्लिश का ही है, ठीक है, ये देखो पूरा यहाँ तक इंग्लिश है। और इसके बाद यहाँ पे फ्रेंच स्टार्ट हो रहा है, फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच, ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है ये, इधर दिया हुआ है इसका मार्क्स जो जा रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, ये ज्योग्राफी का है देख लो, ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी है पूरा, ये जर्मन है, ठीक है, जर्मन, ये यहाँ से हिंदी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हिंदी है, ये पूरा देखो हिंदी है, ठीक है, इसके बाद ये भी हिंदी है, ओके। बहुत सारे बच्चे जो है वो डायरेक्टली अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम पे, आप वहां से इसको अपने मोबाइल स्क्रीन को ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे रहे, कल को लिस्ट नहीं मिलता है तो कम से कम यूट्यूब पे हमेशा के लिए पड़ा रहेगा और आने वाले समय बच्चे जो हैं वो यहाँ से अपना एक आइडिया लगा पाएंगे 25 में, 26 में, 27 में कि उनके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज कितनी है, ठीक है। ये होम साइंस है, ठीक है, होम साइंस है और ये एमएमबी से लेके एफिलिएटेड कॉलेजेस में रन करता है, ये इसका मार्क्स है, ठीक है, ये इसका मार्क्स है। लिंग्विस्टिक है, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है, यहाँ पे पेंटिंग है, ये पाली लैंग्वेज है, ठीक है, उसके नीचे पर्सियन है, फिर ये फिलोसफी है, देखो पूरा ये फिलोसफी है, पूरा फिलोसफी है, पूरा ये पूरा फिलोसफी है, कट ऑफ देख लो अप डाउन से लेके सब है यहाँ पे, कहीं कहीं पे तो 72-77 चला जा चुका है, ठीक है, यहां तक फिलोसफी है, फिर नीचे संस्कृत है, ये संस्कृत है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये उर्दू है, ठीक है, अली बे पे तेटे से उर्दू हो गया, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूरा इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, यहाँ से देखो पूरा इकोनॉमिक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखो कि क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स में, ये पूरा इकोनॉमिक्स है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट्स के लिए परेशान होते हैं, बेसिकली देखो यूपीएससी को चूज करने का, यानी यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट चूज करने का जो मेथड है उस पर हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि किस बेसिस पे आपको चूज करना चाहिए। तो वो चूज करना चाहिए आपको जो हमारा जीएस पेपर होता है उसकी बेसिस पे, ठीक है, और जो हमारा ऑप्शनल पेपर होता है उसकी बेसिस पे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं अभी यूजी में पढ़ने के लिए वो यूपीएससी के सिलेबस से या उस फेवर में नहीं आता है, तो प्रिपरेशन का हमारा अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आप
ऐसे लोगों को जानोगे जिनके रिजल्ट निकले हैं, अच्छे रिजल्ट निकले हैं, उनको वो सब्जेक्ट नहीं मिला तो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अभी तो मैं आपको बेसिकली फोर्थ राउंड BHU UG कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि सर हम लोग बिगनर हैं, हम चाहते हैं कि UPSC की प्रिपरेशन कैसे करें और उसमें आप कुछ अपने आइडियाज दो। लगभग मैंने YouTube पे 4 से 5 बहुत ही अच्छे वीडियोज बनाए हैं 30-30 मिनट्स के, यानी कि लगभग 2 घंटे का एक लेक्चर होगा, पूरा एक सीरीज है हमारा UPSC का, BHU टू UPSC, UPSC टू BHU, ऐसे करके कई सारे टाइटल होंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पे UPSC की तैयारी कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, सिलेबस क्या है, ये तमाम चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप प्लीज उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, नए बच्चे हो तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको एक्चुअली अंदाजा लगे कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके UPSC प्रिपरेशन में कितना ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये पूरा हिस्ट्री है, ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री है, ये पूरा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे पूरा साइकोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी है, यहाँ से पूरा सोशियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सोशियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ से स्टार्ट हो गया कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यानी BCOM स्टार्ट हो गया ये, यहाँ से ये पूरा BCOM का कट ऑफ है, ध्यान देना, BCOM आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, एग्रीकल्चर, यहाँ बीच में BA LLB भी दिया हुआ है, देखो BA LLB का कितना जा रहा है, 510, 470, 406, 333 और 482, ठीक है, ये कुछ जा रहा है। यहाँ पे साइंस का आ गया, बॉटनी बायोलॉजी ग्रुप के लिए कंप्यूटर साइंस, ये पूरा आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका बाकी कंप्यूटर साइंस का ही है, ये बायो ग्रुप का, मतलब यहाँ पे BSc स्टार्ट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एक्चुअली जो होम साइंस है ना, वो आपके साइंस ग्रुप के लिए भी होता है और आर्ट्स ग्रुप के लिए भी होता है, और इसीलिए इसके जो कट ऑफ होते हैं दोनों के लिए अलग अलग निकलते हैं। तो ये है आपका होम साइंस का, ऊपर कुछ कुछ होम साइंस ऑनर्स लेके देखो दिया हुआ है, बाकी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, इसी तरीके से जूलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका वीबॉक, ठीक है, वीबॉक देखो, वीबॉक यहाँ पे है, ध्यान देना कि वीबॉक इस बार बस राजीव गांधी में ही दिखेगा, ठीक है, ये बस राजीव गांधी में ही दिख रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पे महिला महाविद्यालय में भी नहीं लिख, बस यहाँ से पूरा राजीव गांधी में ही है, क्योंकि FMC से हटा दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ शास्त्री का है, शास्त्री के बाद आचार्य करते हैं लोग, शास्त्री का ये पूरा, फिर आपका BSc का ये पूरा, ये ठीक है, ये BSc का है पूरा, ये नीचे भी आपका फिर वोकल का है। तो ये पूरा फाइनली कट ऑफ आपके सामने था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप लोग चाहो तो इसका PDF डायरेक्टली भी आपके यहाँ ओपन हो जाएगा और आप वहां से इसको डायरेक्टली भी देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग वाला, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पर व्हाट्सअप करिए, आप इंक्वायरी डालिए, आपको कॉल बैक हो जाएगा। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपके घर में कोई प्रिपरेशन कर रहा हो UG का तो आप उनको हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करा सकते हो। अभी आप एडमिशन जब PHU में लोगे तो आपको हॉस्टल्स की प्रॉब्लम आएगी, तो हॉस्टल्स के लिए ना ग्रुप में देखो, डिस्क्रिप्शन में देखो, एक हॉस्टल वाला करके लिंक है, आप वो बेसिकली ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो वहां से हम लोग हॉस्टल्स के लिए आपको जो है वो रिकमेंड कर सकेंगे, हेल्प कर सकेंगे। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो, मुस्कुराते रहो, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हर हर महादेव।